तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। विनय को लेने आए थे, विनय को भी ले लिया। अब चलते हैं लोकेशन पे। और आज तो इसकी ये जो मॉडिफिकेशन किया हुआ है इस पर, लीवर्स, ये मोबाइल माउंट, ये सब का सब बताएंगे आपको। चलिए चलते हैं। क्या बोल रहा था अभी, बोल। इधर का मालूम है ना, किधर से चलना, यहाँ आगे जाके वही रास्ता मिलता है इधर। और ये रास्ता है ना शिवडी जाने के लिए, यही ना। चल चालू है अपना। नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर तक लग जाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो भी मेरा पार्ट, जो भी मॉडिफिकेशन किया है अपन ने, वो सिर्फ आगे आगे है, मतलब फ्रंट फेस लुक पे ही है, और जब लास्ट हैंडल बार पे, बस उसके आगे कुछ नहीं गया अपन, पीछे तक नहीं गए अभी। तो स्टार्ट करते हैं पहले विंगलेट से। तो ये विंगलेट ऐसे तीन आते हैं RS के लिए, बट ये सबसे बेस्ट है जो इसमें स्नग फिट होता है, सिर्फ एक बोल्ट में ये सेट हो जाता है, एक बोल्ट में मतलब फिट हो जाता है ये पूरा पूरा जितना ये पोर्शन है। खाली इसमें बीच में आप थोड़ा थोड़ा पैकिंग डाल देना, नहीं तो वो वाइब्रेट हो के पेंट को थोड़ा ख़राब कर देता है। तो अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड जो मॉडिफिकेशन है अपनी, वो ये है रिंग लाइट। ये रिंग लाइट बेसिकली रेड कलर की है, और रेड कलर इसके लिए क्योंकि ये फ्रंट का पूरा फुल ब्लैक है, सिर्फ मटेरियल मेरा ग्रे है, तो ब्लैक के ऊपर रेड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और रिंग लाइट लगाने का ये कुछ मतलब परफॉर्मेंस के लिए या किस चीज़ के लिए नहीं है, सिर्फ लुक्स के लिए। लुक्स में ये एकदम डीमन टाइप दिखती है, रेड आइज फुल ब्लैक। ये सिर्फ लुक्स के लिए है और किसी चीज़ के लिए नहीं है, मतलब आप सोचो कि बहुत कुछ बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लुक्स के लिए डीमन लुक देता है इसको। और ये आईब्रोज जो है बहुत अच्छे से मैच कर देती है इसके साथ। मैं आपको इसको इसका एक नाइट का फोटो इसके साथ अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी तो डे है, तो आपको नीचे दिखेगा इसकी रेड कलर की आइज के बारे में। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर, जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जो मॉडिफिकेशन है अपना, वो है वाइजर। और इसके कुछ फ़ायदे भी है। ये है तो इतना बड़ा, अपना जो टॉप आता है वो इतने में ही कवर हो जाएगा, मतलब इससे थोड़ा छोटा रहता है। और विंड ब्लास्ट के टाइम पे वो बहुत मतलब सीधा चेस्ट पे और चेस्ट के अपर पोर्शन पे, चेस्ट से लेके मतलब बॉडी के चेस्ट और उसके ऊपर का जितना पोर्शन है, वो पोर्शन पे बहुत ज़्यादा हवा लगती है। और जिसका छोटा फेस है और बड़ा हेलमेट है, तो बहुत वबल करेगा वो, तो इससे अच्छा है कि ये लगा लेना। और इससे थोड़ा विंड प्रोटेक्शन भी हो जाता है, और दिखने में भी गाड़ी एकदम एग्रेसिव बनती है, दिख रही इतना बड़ा फेस है सर, मतलब दिखने में भी बहुत अच्छी दिखती है। तो अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे चलते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, अगर लगा लिया तो मतलब इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे। तो वो है अपना ये लीवर गार्ड। ये लीवर गार्ड वैसे तो एक लगाया जाता है, आपने मोटो जीपी की बाइक्स में देखा होगा, सिर्फ ये ब्रेक साइड में होता है, क्योंकि जब राइडर क्रैश करता है, दूसरे राइडर्स को टच करता है, तो उसका ब्रेक अगर दब गया तो गिर जाएंगे जे। बट अपन ने तो इसको सिर्फ लुक्स के लिए लगाया, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिखता है। और रेड कलर इसके लिए, क्योंकि ये और ये दोनों चीज़ रेड है, रिंग लाइट भी रेड है और ये भी रेड है, इसके लिए कॉम्बिनेशन बैठा है रेड रेड और ब्लैक ब्लैक का। तो चलते अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन। तो ये जो है अपने लीवर्स, नेक्स्ट जो है अपना वो लीवर्स है। ये दोनों साइड के लीवर्स आप देख सकते हैं, ये दोनों भी लीवर मेरे KTM के, जो KTM 390 ड्यूक में आते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग है, दोनों जगह एडजस्टेबल है। और इनका फ़ायदा ये है कि ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं, और मतलब ओरिजिनल है, कोई भी थर्ड पार्टी के नहीं है, KTM के ओरिजिनल है। तो ये इसमें स्नग फिट हो जाते हैं, सिर्फ यहाँ से एक नट बोल्ट खोलने, ये स्क्रू नट खोलने का, वो वाला एक नट खोलने का, और डायरेक्ट फिक्स, बस इतना ही था इसमें। अब एक लास्ट है, वो है ये मोबाइल माउंट। वैसे तो मैं इसको सिर्फ राइड्स पे यूज़ करता हूँ, बाकी टाइम पे नहीं करता हूँ, इसके लिए इसको ऐसा फोल्ड करके रखा है। तो चलिए आप थोड़े सिनेमैटिक्स देखिए आप गाड़ी के।
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने मेरी राइड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखना। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुसाफिर को दुआ दीजिए।